नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि तोमर और आप सभी का HBN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं आज की स्पेशल डे यानी कि अप्रैल फूल के बारे में। वैसे तो हम सभी लोग हर दिन अपने दोस्तों रिश्तेदारों को पागल बनाते रहते हैं, लेकिन आज के दिन यानी कि 1 अप्रैल को अपने दोस्तों को पागल बनाने का जो मजा है उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अप्रैल फूल बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। वैसे तो दुनिया में हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, हर दिन का अपना एक महत्व होता है और लोग उस दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं। ऐसे ही 1 अप्रैल को हर साल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ कई तरह के मजाक करते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाकर काफी खुश होते हैं। कई देशों में इस दिन छुट्टी भी रहती है और कई देशों में ये दिन आम दिन की तरह ही चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 1 अप्रैल को ही फूल डे क्यों मनाया जाता है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। फूल डे हर साल 1 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये अब भी रहस्य है। लेकिन लोग इसके पीछे कई अलग अलग कहानियां बताते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस दिन का इतिहास लगभग 438 साल पुराना है, जब 1582 में फ्रांस ने जूलियन कैलेंडर को छोड़कर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया था। जहां जूलियन कैलेंडर में 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता था, तो वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी शिफ्ट हो गया। वही इसको लेकर कहा जाता है कि कैलेंडर बदलने के बाद भी कई लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाए और वो 1 अप्रैल को ही नया साल मान रहे थे। मार्च के आखिरी सप्ताह में उनका सेलिब्रेशन शुरू होता था और 1 अप्रैल तक चलता था। ऐसे में ये लोग सभी मजाक का कारण बन गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अप्रैल फूल कहा जाने लगा और इस दिन की शुरुआत हो गई। इसके अलावा फूल डे मनाने के पीछे कुछ इतिहासकारों ने इसे हिलेरिया से भी जोड़ा। हिलेरिया एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है आनंदित होता है। वहीं हिलेरिया प्राचीन रोम में यहाँ के समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार था, जिसे मार्च महीने के आखिरी में मनाया जाता था। इसमें लोग एक दूसरे व्यक्ति का वेश रखकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से भी अप्रैल फूल मनाने की शुरुआत हुई थी। यही नहीं, दुनिया के कई देशों में इस दिन को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इटली, बेल्जियम और फ्रांस में इस दिन लोग एक दूसरे की पीठ पर कागज की बनी हुई मछली चिपका देते हैं, जिसकी वजह से इसे ये लोग अप्रैल फिश भी कहते हैं और लोग इस तरीके को किसी को भी बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात की अप्रैल फूल की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। इसी तरह आगे आपसे मिलते रहेंगे कुछ ऐसे विषयों के साथ। तब तक आप बने रहिए HBN न्यूज के साथ। नमस्कार। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।